स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। अभी हम हैं आइप से, जो कि जर्मनी की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक है। और वो जो पीछे आप देख रहे हैं वो है जुक्सपिट्ज़े, जो कि है जर्मनी का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो हम यहाँ पे आए हैं 4 दिन के वेकेशन के लिए, तो घूमते हैं ये जगह और साथ में आपको भी घुमाते हैं। छुट्टी है और हम लोग निकल गए हैं टोटल अनप्लान्ड ट्रिप पे। कोई भी प्लानिंग नहीं है कि कहाँ होटल लेंगे, कौन से एग्जैक्टली कौन से एरिया में जाना है। बस हमें इतना पता है कि भाई बवारिया के गार्मिस रीजन में जाना, तो वो रीजन काफ़ी बड़ा है, उसमें छोटे 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 स्मॉल टाउन्स हैं, तो वहाँ जाके ही ढूंढेंगे कि भैया कहाँ आज जुगाड़ होएगा। तो हम लोग आज उठे थे 3 बजे और 5:30 बजे घर से निकले थे, और अभी हुए हैं 8:30 और हम लोग यहाँ रुके हैं। जैसे ये रेस्ट करने की जगह आप देख सकते हैं, पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है, फिर पेट्रोल स्टेशन भी, और जैसे वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है, रेस्टोरेंट वगैरह अगर जाना है कुछ कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए, तो वो सब है। तो हम लोग भी यहाँ रुके हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और फिर जर्नी शुरू करते हैं टुवर्ड्स गार्मिश। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट गार्मिश वाला जो एरिया है, जुक्सपिट्ज़े का जो बेसिकली डाउनहिल वाला एरिया, वहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी भी 16 किलोमीटर दिखा रहा है और एक छोटा सा पंगा मुझे जो लग रहा है, हो सकता है कि पेट्रोल बचा है ओनली 69 किलोमीटर के लिए, और एंड में तो मतलब उतना करेक्ट दिखाता भी नहीं होगा। तो हमको लगा था कि यार पेट्रोल वेट्रोल डलवा लेंगे, लेकिन इस रोड पे उतना कुछ पेट्रोल पंप अभी दिख नहीं रहा है। बट होपफुली 10-5 किलोमीटर में कोई एक पेट्रोल पंप आ जाएगा, क्योंकि जर्मनी में तो भाई पेट्रोल तो एकदम गाड़ियां एकदम ऐसे पीती हैं, तो बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल पंप काफी होते हैं, तो पंगा होना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्विकली एक पेट्रोल स्टेशन पे रोकते हैं और भरवाते हैं। तो कल हमने कोरोना टेस्ट करवाया था और वो 1 बजे करवाया था, तो वो आज के 1 बजे तक ही वैलिड है। उसके पहले हमको मतलब होटल में चेक इन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू जो हमने रिसर्च किया उसमें 24 आवर्स ही वैलिड है, पता नहीं शायद 48 हो। ऑलरेडी 12:20 हो गए, अभी भी हमको 10 मिनट्स है, जहाँ पे हमको जाना है वहाँ पहुँचने में आधे घंटे में हम कैसे होटल ढूंढेंगे हमें नहीं पता। पूरे रास्ते गाड़ी में होटल ही ढूंढते आए हैं, घर से भी 2-4 होटलों के नाम लाए थे, बट कुछ गारंटी नहीं है कि वहाँ पे अभी रूम मिल ही जाएगा क्या। 2-3 शॉर्टलिस्ट कर लिए, तो होप कर रहे हैं कि जो एक पसंद आया है वहाँ पे जाके रूम मिल जाए। हमारा प्लान था 2-3 देखेंगे, बट मुझे लगता है अभी जो फर्स्ट मिलेगा। हमारा तो प्लान था कि भैया जाके देखेंगे कहाँ से कैसा क्या होटल लग रहा है, बट आई डाउट ऐसा कुछ हमें टाइम मिल पाएगा, बट चलो देखी जाएगी, जो फर्स्ट मिलेगा वही ले लेंगे। तो देखते हैं, विल कीप यू अपडेटेड। तो हम लोगों ने 3 होटल्स देखे जल्दी जल्दी में, लेकिन जो इस होटल से जो हमको व्यू मिल रहा है ना, वो बेस्ट था। मोस्टली तो एक्चुअली क्या है ना, सारे होटल्स यहाँ पे बुक्ड है, इस वाले होटल में भी लकीली सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल था सिर्फ, तो हमने इसको ग्रैब कर लिया क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है। तो ये है रूम। तो यहाँ पे मोस्टली जैसे जो पहले से लोग रह रहे हैं, उनके जो मतलब घर होते थे उन्हीं को उन्होंने कन्वर्ट करके होटल्स में किए हुए, तो काफी ऐसे पुराने जमाने वाली फील आ रही है। जैसे कि देखो यहाँ पे टेप रखी हुई है, ये मुझे देख के बहुत ही सही लगी, और जैसे ये लाइट्स वगैरह भी लगाई हुई है, तो थोड़ा ऐसे पुराने जमाने टाइप से। लेकिन मैं आपको व्यू दिखाती हूँ जिसकी वजह से हमने ये रूम लिया है फाइनली। तो ये है हमारी बैल्कनी। तो पहले आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये होटल छोटी सी प्रॉपर्टी है, क्यूट सी है, तो ये है। और अब ये नजारे टेंटड़े, ये है जुक्सपिट्ज़े, जो है जर्मनी का हाईएस्ट पीक। ये तीनों जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया तीनों कंट्रीज में है, ये तीनों कंट्रीज से आप इसके पीक पे जा सकते हैं। और ये है हमारा व्यू फ्रॉम द रूम, सो अमेजिंग। फाइनली जर्मनी में थोड़ा बहुत टूरिज्म खुल गया है, तो फाइनली हम लोग भी, जैसे अभी लॉन्ग वीकेंड है तो 4 दिन के वेकेशन के लिए आए। आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन हम लोग सच में 1.5 साल बाद में कोई होटल रूम में आके रुक रहे हैं। 1.5 साल पहले लिया था जो लास्ट वेकेशन लिया था, उसके बाद में पिछले साल सिर्फ कोई 1-2 डे ट्रिप्स किए, और इस साल भी जैसे 1-2 जो डे ट्रिप्स आपने ब्लॉग्स देखे हैं वही किए। फाइनली एक लंबी वेकेशन, मच नीडेड। फाइनली होटल रूम है।
तो हम लोग फ्रेशन अप हो गए हैं, चेंज कर लिया और अब हम जा रहे हैं हमारी फर्स्ट लोकेशन की तरफ। और ये वाला होटल है जो आप बाहर से देख सकते हैं, जो हमने बुक किया है, इसका नाम है होटल येगरहॉफ। और यहाँ से मतलब पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ सराउंडिंग्स कैसी हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे और भी ऐसे सिमिलर टाइप के होटल्स हैं बहुत सारे छोटे छोटे, और व्यू बहुत अमेजिंग है। और अगर आप गार्मिश घूमने आते हैं और अगर आपको ये वाला होटल ठीक लग रहा है तो आप इसको बुक भी कर सकते हैं, हमने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं। हम लोग आ गए हमारी ट्रिप की फर्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको होटल रूम से भी दिखाया था, ये है जुक्सपिट्ज़े माउंटेन। और वहाँ पे आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ होगा टॉप ऑफ जर्मनी। तो ये माउंटेन टॉप ऑफ जर्मनी है, और अगेन इस माउंटेन पे आप ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी तीनों जगहों से जा सकते हैं। और बाकी अभी हम आए आइप्सी, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत फेमस है जर्मनी में, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स में आती है। तो अभी हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं। बाकी इतने टाइम से मौसम बहुत अच्छा था, पूरे दिन से सनी था, और अभी हम पहुँचे ही हैं और बारिश होनी शुरू होगी, तो देखते हैं कैसा रहता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे जुक्सपिट्ज़े की जो वो गोंडोला राइड या फिर वो जो बान राइड है वो चल रही है, और सामने वाली साइड हमको हल्का हल्का आईपीसी दिखने लगा है ऑलरेडी, और ये हमारी बकेट लिस्ट में था राइड। तो बहुत टाइम से सोच रखा था कि यहाँ जाना है जाना है, क्योंकि पिक्चर्स में इतना अमेजिंग लगता था। बहुत बहुत अमेजिंग लगता है, और बेसिकली इसको विंटर में भी जाने का मन कर रहा था मेरा, लेकिन वही है कि विंटर में इतनी ज्यादा ठंड होती है कि मतलब ऐसा लगता है कि यार वो पानी विंटर का कलर भी एकदम एग्जैक्ट नहीं आ पाता, जो ब्लूइश इसका लेक का पानी का कलर है, विंटर जस्टिस भी नहीं कर पाएगी राइट ऐसे ऐसी वाली जगह के लिए। सो आज देखते हैं कैसी क्या समर रहती है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अभी, लेक का पानी बहुत सुंदर लग रहा है, और साथ में जो माउंटेन्स और ये सब मिला के जो एक ओवरऑल व्यू बन रहा है ना, बहुत अमेजिंग लग रहा है। और मई मंथ चल रहा है तो इतनी भी समर नहीं आई है, बट फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज ही चलते हैं, क्योंकि फिर जून में और भी बहुत सारी और जगह जाना है, तो इसको सोचा कि अभी निकाल लेते हैं। दोबारा आना है जुक्सपिट्ज़े टॉप पे जाने के लिए, अभी तो बहुत क्लाउडी है, वहाँ ऊपर जाना फिर टोटल वेस्ट हो जाएगा। हाँ, उस टाइम में मतलब इट्स लुकिंग सो प्रिटी, दिखाओ थोड़ा सा, दिख रहा है एक सेकंड। जो जुक्सपिट्ज़े के ऊपर जाने के लिए मुझे लगता है कि जून और जुलाई का मंथ सबसे बेस्ट है, क्योंकि अभी वहाँ पे ऊपर माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो बेसिकली कोई फायदा नहीं। बट शिल्पा और मैं काफी एक्साइटेड हैं आईपीसी के लिए। सो प्रिटी, आगे चलते हैं और क्लियरली पास से देखते हैं। आईपीसी पे आने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि जैसे ही पहुंचे सीधा यहाँ आ गए, लंच भी नहीं किया, बहुत भूख लग रही है, आइसक्रीम शॉप दिख रही है, वो खाएंगे। यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं खाली जगह पे। आगे करना है पीछे करना है, पीछे करना है, बैक करनी है ना। यार सैनिटाइज नहीं किया, सैनिटाइजर लाना, सैनिटाइजर गाड़ी में रह गया यार। कोई नहीं, ये कायाकिंग भी ले सकते थे अपन। इंसान का वही चक्कर है, जो हाथ में होता है ना आदमी को लगता है वो भी कर सकते थे, ये कर रहे हैं, ये क्या कम है। ओ ओ नो, ये वेदर यहाँ पे काफी मजाक खेल रहा है, कभी होती है छोटी छोटी बारिश और कभी मतलब एकदम सनी हो जाता है, तो आप अब संतो देवता तो क्या दिखेंगे, इतनी से दो बूंदे गिरेंगे हम लोग, बारिश होगी, ड्रोन को बचाओ सेफ करो, सारी चीजों को बचाओ। अभी तो माइक पानी में जाता था, ये पानी को छू के देखो कैसा है, कितना ठंडा है। एक सेकेंड, यू कैन ट्राई, इट्स नॉट दैट कोल्ड। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से 4 टाइप की बोट्स मिल रही हैं, वो रहा बोटिंग वाला एरिया, और वहाँ से आप जैसे कायाकिंग वाली बोट ले सकते हो, ये 4 पीपल वाली पैडल बोट ले सकते हो, और उसके अलावा आई थिंक एक और ऑप्शन था जिसमें आप वाटर स्लाइड वाली भी ले सकते हो।
और शिल्पा बताओ फिर कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस आई हैव बीन टू इन जर्मनी। जर्मनी का बहुत ही सुंदर जगह है यार, मतलब पीछे हाँ बताओ बताओ। मैंने शिल्पा को टोक दिया। ओके शिल्पा, मैं बोलूंगी कि यूरोप की जितनी भी जगह गए हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट मैं इसको बोलना चाहूंगी। काफी सुंदर है और हम लोग अप्रोच कर रहे हैं आइसबर्ग क्राइसिस सिचुएशन। ओह वाओ, पत्थर दिख रहे हैं। आई थिंक इधर से हमें अलाउड नहीं होगा। हाँ मोस्ट प्रोबेबली शायद अलाउड नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे पत्थर है। बाकी हम लोग इस पे अंग्रेजों की तरह कैप्चर कर सकते हैं हम लोग इसको। नो लैंडिंग ऑन शोर नॉर आइलैंड्स, एनी डैमेज टू द बोट विल बी चार्ज्ड अकॉर्डिंगली। ओहो जल्दी से भगाओ गाड़ी को। आपको कैसा लग रहा है, आपने नहीं बताया? काफी काफी मस्त ये जगह ही एकदम शानदार है गाइस, मतलब बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। अपने हम जब भी कोई अच्छी जगह जाते हैं सचिन, हाँ, हमारे पास में हमेशा यही लाइन होती है, हमारे पास वर्ड्स भी है इसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन हाँ, करने के लिए, क्योंकि हमारे पास वही वर्ड्स होते हैं। सुनो मैं क्या बोल रही थी, यूट्यूबर बन गए और वर्ड्स भी। यूट्यूबर तो क्या ही बन गए, हाँ बस चल रहा है। तो गाइस ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, हमारे पास वर्ड्स नहीं है इसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन करने के लिए। बिल्कुल वर्ड्स नहीं है गाइस। आपके पास भी नहीं है वर्ड्स? मेरे पास भी वर्ड्स नहीं है, मतलब ये इसको मैंने कहीं पे अभी घूमेगी, फास्ट स्पीड में घूम रही है सिनेमैटिक। एक एक पॉइंट ध्यान आया मुझे, एक जर्मन यूट्यूबर का वीडियो देखा था मैंने, उसमें उसने इसको बोला था मालदीव्स ऑफ जर्मनी, और लिटरली इसमें इतना ये ब्लू वाटर है, अगर इसको आप ऊपर से कोई मतलब फोटो वोटो लेके देखते हो लाइक ड्रोन एंड ऑल से, तो काफी सॉलिड इसका व्यू दिखता है। हमारा ड्रोन कहाँ है, निकालो ड्रोन। अब हमें इस टापू से दूर चले जाना चाहिए, कोई भी डैमेज हुआ तो चार्ज अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ये देखो एकदम यहाँ देख रही हूँ तो ग्रीन पानी दिख रहा है और देख सकते हो काफी काफी क्लैरिटी है। आई थिंक उतना नहीं दिख पा रहा होगा लेकिन नीचे का पैंदा दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे टच कर जाएंगे तो चार्ज अकॉर्डिंगली हो जाएगा। कोई वो आराम से कर देंगे चार्ज, कोई लोड नहीं है। और वो वहाँ होटल है एक, अगर आपके पास शायद बहुत पैसे हो तो आप वो वाला होटल, बहुत ही सुंदर होटल है, बट हमने जो होटल लिया वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर ही है उधर, तो काफी सही जगह है, वो भी ग्राइनाओ एरिया में होटल लिया है। आई थिंक विंड की वजह से आवाज आ नहीं पा रही होगी गाइस। अभी जल्दी जल्दी पैडल मार के जाना पड़ रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, तो 1 घंटे के इसके थे 15 यूरो, अब अगर हम 1 मिनट भी ऊपर हुए तो 5 यूरो और एक्स्ट्रा लग जाएंगे जो कि हम बिल्कुल नहीं देंगे। जर्मनी की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन लग रही है जैसे यहाँ फील है। कब से इस जगह पे आने का अरमान सजा के रखे थे हमने। सो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग इसकी बात बताता हूँ, जैसे शिल्पा ने अभी बताया कि इस जो जुक्स पिज्जा है इसके उधर वाली साइड स्विट्जरलैंड है, इस वाली साइड ऑस्ट्रिया है और ये वाली साइड जर्मनी है, तो वहाँ से जो आप देख रहे हैं केबल कार आ रही है वो वाली, वो बेसिकली स्विट्जरलैंड से आ रही है एंड देन ऑलमोस्ट यहाँ पे शायद पीक है, और इधर वाली साइड से जो केबल कार जा रही है वो जर्मनी से जा रही है बेसिकली, ये वाला जो आप देख रहे हैं। तो बोटिंग हो गई है अभी और वहाँ एक मुझे बहुत फैंसी सा रेस्टोरेंट दिख रहा है, तो अभी वहाँ जाके देखते हैं वेजिटेरियंस के लिए कुछ मिलेगा क्या, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो भी कॉफ़ी तो हम पी ही लेंगे, है ना सचिन? जरूर, कॉफ़ी विद अ व्यू। इतनी ठंड, ये लेक में जैसे बोटिंग करते करते बहुत ठंडी हवा आ रही थी, तो अब तो एकदम मन कर रहा है गर्म गर्म, वैसे तो चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए, चाय का जुगाड़ हमारे साथ है। हाँ लेकिन अभी होटल में क्या, गाड़ी में? गाड़ी में है तो हम तो चाय भी बना सकते हैं, बट आई थिंक मैं ऐसे सचिन के पैसे खर्च करवाने के मूड में हूँ तो मैं कॉफ़ी पीऊँगी फैंसी रेस्टोरेंट में। नोश फरमाए। तो ये वाले रेस्टोरेंट की मैं बात कर रही थी कि फैंसी सा रेस्टोरेंट है, उसमें कुछ तो कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, तो कॉफ़ी तो उसमें अवेलेबल नहीं है, खाने के लिए वेजिटेरियंस के लिए कुछ कुछ ऑप्शंस थे बट हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड हम लोग अभी इतना कंफर्टेबल नहीं हैं कि भीड़ में जाके बैठ जाए, इन केस कोरोना फिर से अगर बढ़ रहा होगा तो हम उसके शिकार नहीं होना चाहते। चेक होनी चाहिए, वीडियो चालू, माइक चालू और मैं खुद चालू। तो ड्रोन का फ्लाइट टेस्ट हो चुका है, काफ़ी अच्छा फ्लाई किया, दो थोड़ी लाइटिंग अभी शाम होगी तो थोड़ी लाइटिंग उतनी खास नहीं थी बट होपफुली वीडियो में अच्छा लगेगा। अभी टाइम क्या हुआ? अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट आई हैव टू सी
अभी क्या प्लान है फिर? अभी 5:30 बज गए हैं शाम के, जर्मनी के 5:30 बज गए हैं। तो अभी डिनर कर लेंगे तो फिर रात में भूख लगेगी, तो एक बार ये टाउन में घूम लें, थोड़ा बहुत टाउन में ड्रोन उड़ा लें। हाँ, ग्राइनाओ में टाउन में देखते हैं क्या सौदा रहता है। घूमना जरूरी नहीं है, ड्रोन उड़ा लें वो ज्यादा जरूरी है। और तो फिर कुछ पेट पूजा चालू करेंगे। चलो फिर चलिए शुरू करते हैं। सचिन वहाँ पार्किंग का बिल पे कर रहे हैं और देखते हैं कितना यूरो बना। कितना बना? क्या कितना यूरो लगा? 7 यूरो। तो हम लोग ये इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे आउटडोर सीटिंग अवेलेबल है और ये यहाँ पे वाटर स्ट्रीम भी जा रही है, तो और अच्छा मतलब व्यू मिल रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि सुबह 3 बजे से उठे हुए हैं, तो बस अब ऐसे है कि खाना आए और खाएं और बस जाके सोएं।